कहाँ जा रही हो? खैर, मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो, जरूरी ये है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, तुम कहीं नहीं जा सकते। बुझे? डॉक्टर विशाखा आने वाली है, तुमने तो टैगलाइन दी थी उनके प्रोग्राम, क्या था वो? बच्चे का प्यार हर माँ का अधिकार, याद आया? नहीं थी बेटा, शायद तुम्हें पता है, तुम्हारे ससुर जी वो काफी सारे इंजीनियर्स को मिले, आज वही लोग आने वाले हैं। उनका एनजीओ खास करके उन महिलाओं को मदद करता है जो माँ नहीं बनी। अब ये बात तुम और मैं शायद नहीं समझ सकते, मुझे दो दो बच्चे, तुम माँ बने, लेकिन कुछ औरतें होती हैं उनके नसीब में मां बनने का सुख होता है। ठीक है, आज तुम कहीं नहीं जाओगी, ऑफिस में थकी तब मैं तो बैठी बोल जाती हूँ, और आज जब ताकि एनजीओ की मीटिंग में मुझे तो मैं चीजमा भी कह रही हूँ। लेकिन बेटा नहीं, अब चीजमा आप जाइए, आप जहाँ जाओ, आज सारी गेस्ट मैं अटेंड करूँगी, मीटिंग में भी मैं सारे काम करूँगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, मैं चीजमा को बाहर छोड़ जाऊँगी, फिर सारे काम करूँगी। नीति और विधान ने प्लान किया है कि वो जीजीमा और जीजू को डेट पर भेजेंगे, तो हम बस भेजने ही वाले होते जीजीमा को कि आप जाइए जीजू को वर्कशॉप से पिक करना, तो जितने में उत्तरा देवी आ जाती है, उत्तरा देवी रोक देती है और कहती है कि घर पे एनजीओ की मीटिंग है, गायनेकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, तो मैं फिर बात पलट देती हूँ, मैं कहती हूँ कि हमेशा जीजीमा वर्क करती है और मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, तो आज मैं बैठूँगी और जीजीमा जहाँ जा रही है उन्हें जाने दो, तो इस तरह से नीति भेज देती है जिजमा को डेट पर। हाय, दिस इज दिव्यांका त्रिपाठी। हाय, दिस इज अनेरी वजानी। हाय, दिस इज मी जिज्ञासा सिंह। हाय गाइस, दिस इज कुशाल टंडन। हाय, दिस इज सोनल मेघुलेकर। हाय, दिस इज अली गोनी। एंड यू आर वाचिंग टेलीशो। एंड यू गाइस आर वाचिंग टेलीशो। कीप वाचिंग योर फेवरेट चैनल टेलीशो। कीप वाचिंग टेलीशो। यू आर वाचिंग टेलीशो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन टेलीशो।